कैसा रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी सर। आप दिल्ली में आप क्या रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं अभी सर। आप दिल्ली में आप सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई है, जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं। और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। चुनाव में जनता के लिए काम करना है, और पार्लियामेंट में इस तरह से सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है, 150 सांसद लगभग, तो उस पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये सब बातें भी आ रही थी। संसद के जो मुद्दे रहे, हाँ वो मुद्दे हैं, और साथ मिलके करना है, चुनावी रैलियां साथ मिलके करना है। कुछ हुई मोटा मोटी, बहुत साफ साफ बात। सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत सर। बहुत आ जाओ यार सर, सीट बहुत सक्सेसफुल सर, सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। नाम सजेस्ट किया है टीम के, सब लोग सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, सब लोग सहमत हैं, जो चीज जिन बातों पे सहमति बनी है पीसी में उनकी घोषणा हो जाएगी। आपने क्या क्या सुझाव रखे थोड़े बताइए, आपने क्या क्या सुझाव रखे जैन जी? थैंक यू। बात तो लंबी चौड़ी हुई है, अच्छी बात हुई है, थैंक यू। कैसी रही है? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई है, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो, क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है मुझे नहीं पता, क्या आप पूछ रहे हो? मध्यप्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्यप्रदेश में आपके साथ जैसा तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ, चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी, क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई, ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। सर क्या सामने से सर लालू जी एक चलिए।